Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general surgery treatment of hernia. This is the final video of hernia series. In first four videos we studied definition, causes, clinical feature, investigation, surgical anatomy and complication. In this video we will study the treatment of hernia. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But this video is about treatment of hernia in Urdu, Hindi. So, aaj hamara topic hai treatment of hernia. ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया से पहले हमने जो है चार वीडियो में हमने हर्निया को कंप्लीट उसकी डिफिनेशन, काजेस, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन, उसकी सर्जिकल एनाटॉमी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं. तो आज हम लास्ट वीडियो पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया. तो ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया को सबसे पहले हम दो में डिवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, ट्रीटमेंट ऑफ फीमोरल हर्निया. क्योंकि हमारे साथ जो दो ब्लेड टाइप्स है हर्निया की, वो एक है इंग्वाइनल हर्निया, दूसरा है फीमोरल हर्निया. तो इसकी हम हर एक की अलग अलग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया को हम दो में डिवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, ट्रीटमेंट ऑफ फीमोरल हर्निया. अब ट्रीटमेंट ऑफ इंग्वाइनल हर्निया को फिर हम मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी. अब ओपन सर्जरी में हम मैक्सिमम इन्वेजन करते हैं लेकिन इजी है. दूसरा है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें हम मिनिमम इन्वेजन करते हैं. ओपन सर्जरी में मैक्सिमम इन्वेजन, लेप्रोस्कोपिक में मिनिमम इन्वेजन. लेकिन ओपन सर्जरी इजी है, लेप्रोस्कोपिक क्या है, ये कम्प्लेक्स है, ये ज़्यादा स्किल चाहिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में. ठीक है, क्योंकि आर्गन जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इतना हमारे साथ विजिबल नहीं होते हैं, ओपन सर्जरी में हमारे साथ इजली विजिबल होते हैं. तो अब ओपन सर्जरी को फिर हम मज़ीद तीन में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ इंग्वाइनल हर्निया को हमने ओपन सर्जरी में डिवाइड किया लेप्रोस्कोपिक में. फिर ओपन में तीन है, पहला है हर्नियोटोमी, दूसरा है हर्नियोरेपी और तीसरा है हर्नियोप्लास्टी. अब इसी तरह लेप्रोस्कोपिक को फिर हम दो में डिवाइड करते हैं, TAPP, ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियम, और दूसरा है TEP, मीन टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियम. तो ये हुआ इंग्वाइनल हर्निया की ट्रीटमेंट की क्लासिफिकेशन डायग्राम से कि हम किस तरह इसकी ट्रीटमेंट करते हैं. दूसरा हमारे साथ है ट्रीटमेंट ऑफ फीमोरल हर्निया. अब फीमोरल हर्निया की जो ट्रीटमेंट है उसमें हमारे साथ तीन मेथड है. सबसे पहले है लो रिपेयर, दूसरा है हाई रिपेयर और तीसरा है लोथिसन रिपेयर. अब ये जो डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि डायग्राम से जब हम हर एक को अलग अलग क्लासिफाई करेंगे तो ये आसानी से हमें याद हो जाएगा. बस इस डायग्राम को हम याद रखें तो हमें आसानी से सब कुछ याद आ जाएगा. अब हमने क्या करना है, अब हमने डिटेल में ओपन सर्जरी के जो थ्री मेथड है वो हमने डिटेल में पढ़ने हैं, लेप्रोस्कोपिक के जो दो मेथड है वो हमने डिटेल में पढ़ने हैं, और फीमोरल हर्निया के जो तीन मेथड है, लो रिपेयर, हाई रिपेयर और लोथिसिन रिपेयर, इसको हमने डिटेल में पढ़नी है. तो सबसे पहले हमारे साथ है हर्नियोटोमी, जो ओपन सर्जरी का पहला मेथड है. हर्नियोटोमी में हम क्या करते हैं, हर्नियोटोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम हर्नियल सेक, जो हर्निया का जो हर्नियल सेक है उसको हम रिमूव करते हैं, लेकिन इंग्वाइनल कैनाल को हम रिपेयर नहीं करते हैं, और ये हम करते हैं चिल्ड्रन में. तो ये है हर्नियोटोमी. हर्नियोटोमी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ हर्नियल सेक विदाउट रिपेयर ऑफ इंग्वाइनल कैनाल एंड इट इज़ डन इन चिल्ड्रन. ये है हर्नियल सेक, ये हर्नियल सेक का बॉडी है और ये इसका नेक है. इसमें हम क्या करते हैं हर्नियोटोमी में, इसमें हम ओपन सर्जरी है, इसमें हम क्या करते हैं जो हर्नियल सेक है उसको रिमूव करते हैं, लेकिन जो इंग्वाइनल केनाल है उसकी रिपेयर हम नहीं करते हैं, उसकी सुचरिंग हम नहीं करते हैं, और ये हम चिल्ड्रन में करते हैं, इसे कहते हैं हर्नियोटोमी. दूसरा हमारे साथ है हर्नियोरेपी.
अब हर्नियोरेपी का नाम से हम याद कर सकते हैं रेपिमिन रिपेयर। इसमें हम क्या करते हैं, हर्नियोरेपी में हर्नियोटोमी प्लस पोस्टीरियर वाल रिपेयर टू प्रिवेंट रिकरेंस। रिकरेंस को रोकने के लिए कि दोबारा हर्निया नहीं हो जाए, हम पहले हर्नियोटोमी करते हैं हर्नियोरेपी में, प्लस फिर जो इंग्वाइनल कैनाल है उसकी पोस्टीरियर वाल रिपेयर करते हैं, वहाँ हम स्टिचेस देते हैं। ये है हर्नियोरेपी। तो याद रखो रिपेयर, हर्नियोरेपी क्या है, हर्नियोटोमी प्लस पोस्टीरियर वाल रिपेयर टू प्रिवेंट रिकरेंस, इसे कहते हैं हर्नियोरेपी। और ये हम किस में करते हैं, इट इज़ डन इन यंग एडल्ट्स, ये हम यंग एडल्ट्स में करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ हमने स्टिचेस दिए हैं, लेकिन ऊपर हमने हर्नियोटोमी में सिर्फ हमने हर्नियल सैक रिमूव किया, यहाँ भी हमने हर्नियल सैक रिमूव किया, प्लस हमने पोस्टीरियर वाल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल को स्टिचेस हमने दिए ताकि रिकरेंस ना हो, पोस्टीरियर वाल की स्ट्रेंथ को हम अचीव करें। और ये हम किस में करते हैं, यंग एडल्ट में। तीसरा हमारे साथ है हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले हर्नियोटोमी करते हैं, फिर हर्नियोरेपी करते हैं, मतलब सबसे पहले हर्नियल सैक को रिमूव करते हैं, फिर हम पोस्टीरियर वाल की रिपेयर करते हैं, प्लस प्रोलिन मेश, फिर वहाँ प्रोलिन मेश भी डालते हैं ताकि क्या हो जाए, फिब्रोसिस हो जाए, स्ट्रेंथ अचीव हो जाए। और ये हम ओल्ड एज पेशेंट में करते हैं, इसे कहते हैं हर्नियोप्लास्टी। तो हर्नियोप्लास्टी क्या है, हर्नियोटोमी प्लस हर्नियोरेपी, हर्नियोरेपी प्लस प्रोलिन मेश कॉल्ड हर्नियोप्लास्टी। अब यहाँ से हम समझते हैं, देखिए ये हमारे साथ क्या है, यहाँ सेम इसी तरह है कि हमने क्या क्या, ये ब्लैक, यहाँ हमने ग्रीन है, एक साइड पहेंगे दूसरे साइड पहेंगे, हमने ब्लैक शो करता है स्टिचेस, हमने स्टिचेस दिए कहाँ पे, पोस्टीरियर वाल पर। उसके अलावा इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या फर्क है, इसमें रेट का इजाफा है। रेट क्या है, वही डायग्राम को हमने यहाँ उठाया है, हमने प्रोलिन मेश अप्लाई किया है जो रेट से शो हो रहा है, ये प्रोलिन मेश क्या करेगा, फिब्रोसिस करेगा, इसकी वजह से स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगा। तो हर्नियोरेपी में क्या है, हर्नियोटोमी प्लस हर्नियोरेपी प्लस प्रोलिन मेश कॉल्ड हर्नियोप्लास्टी एंड इट इज़ डन इन ओल्ड एज पेशेंट। यहाँ क्या है, प्रोलिन मेश पर फिब्रोसिस टू गेन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए। अब अगर हम देखें हर्नियोटोमी, हर्नियोरेपी और हर्नियोप्लास्टी में क्या फ़र्क है, सबसे पहले हर्नियोटोमी हम चिल्ड्रन में करते हैं, एज का फर्क है, हर्नियोरेपी हम यंग एडल्ट में करते हैं, हर्नियोप्लास्टी हम ओल्ड एज पेशेंट में करते हैं। दूसरा, हर्नियोटोमी में हम हर्नियल सैक रिमूव करते हैं लेकिन पोस्टीरियर वाल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल की रिपेयर नहीं करते हैं, हर्नियोरेपी में हम हर्नियल सैक रिमूव करते हैं प्लस पोस्टीरियर वाल की रिपेयर हम करते हैं स्टिचेस लगा के। लेकिन हर्नियोप्लास्टी में क्या है, इसमें हम हर्नियल सैक को रिमूव करते हैं और पोस्टीरियर वाल को स्टिचेस लगाते हैं, प्लस प्रोलिन मेश भी अप्लाई करते हैं ताकि हम फिब्रोसिस अचीव करें। तो ये हमारे साथ जो ओपन सर्जरी है उसके जो थ्री मेथड है वो हमारे साथ हो गए। अब हम आते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दो मेथड। पहला है TAPP, ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियम। इसमें हम क्या करते हैं, देखें इसमें ये जो ग्रीन ओ जो मैंने बनाए हैं, ये ग्रीन ओ हमारे बॉडी के आर्गन शो करते हैं, इसके ऊपर जो रेड मैंने शो किया है ये पेरिटोनियम शो करता है, जो हमारे बॉडी की पेरिटोनियम है। अब TAPP में हम क्या करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियम, इसमें सबसे पहले हमने जब इंसिजन दिया, जब हम पेरिटोनियम तक पहुँच गए, हम पेरिटोनियम को भी इंसिजन देते हैं और बॉडी के आर्गन को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जब बॉडी के ऑर्गन को हमने ओपन किया उसके बाद वापस हम बॉडी के ऑर्गन को क्लोज करते हैं, वापस उसके ऊपर पेरिटोनियम के लेयर को वापस वहाँ पर क्लोज करते हैं। यहाँ देखो हमने पेरिटोनियम को कट किया, यहाँ पे वापस क्लोज किया पेरिटोनियम को, और पेरिटोनियम और ट्रांसवर्सेलस फेशिया के दरमियान जो हमने पहली वीडियोज़ में जो एनाटॉमी पढ़ी थी, ट्रांसवर्सेलस फेशिया और पेरिटोनियम के दरमियान हम प्रोलिन मेश डालते हैं। ये देखो ब्लू शो करे, ब्लैक शो करे ट्रांसवर्सेलस फेशिया को और रेड शो करे पेरिटोनियम को, इसके दरमियान जो ब्लू है वो है प्रोलिन मेश, यानी ट्रांसवर्सेलस फेशिया और पेरिटोनियम के दरमियान हम प्रोलिन मेश डालते हैं। ये क्या करता है, इसकी प्रोलिन मेश की फिब्रोसिस होगी और इसके ज़रिए से हमें क्या होगा, स्ट्रेंथ अचीव होगा। तो तरीका क्या है, सबसे पहले हम जो है एब्डोमिनल वाल को कट करेंगे, जाएंगे पेरिटोनियम तक, पेरिटोनियम को कट करेंगे, आर्गन को ओपन करेंगे, उसके बाद वापस पेरिटोनियम को जो है आर्गन के ऊपर वो जो कट हमने दिया था उसको वापस क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे,
फिर पेरिटोनियम और ट्रांसवर्सल स्पेशिया के दरमियान हम प्रोलिन मेश अप्लाई करेंगे, उसकी फिब्रोसिस होगी। ये है ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियम TAPP। दूसरा हमारे साथ है TEP, टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियम। TEP मीन टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे साथ उसी तरह ओ आर्गन को शो कर रहा है, ये रेड पेरिटोनियम को शो कर रहा है। इसमें हम पेरिटोनियम को कट नहीं देते हैं, टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियम। नाम से जाहिर है एक्स्ट्रा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से एक्स्ट्रा मतलब ऊपर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आर्गन के ऊपर जो पेरिटोनियम है उसको हम कट नहीं करते जैसे यहाँ हमने कट किया, बस हम क्या करते हैं प्रोलिन मेश लेते हैं, पेरिटोनियम के ऊपर लगाते हैं, उसकी फिब्रोसिस होगी, तो इस तरह में स्ट्रेंथ अचीव होगा। अब आते हैं के TAPP और TEP में कौन सा बेस्ट है। TAPP में हम पेरिटोनियम को कट करते हैं, आर्गन ओपन होते हैं और आर्गन की डैमेज के चांसेस हैं, लेकिन TEP में टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियम में हम क्या करते हैं, हमारे साथ नो चांसेस ऑफ आर्गन डैमेज, क्योंकि हम पेरिटोनियम को ओपन कट नहीं करते, आर्गन को ओपन नहीं करते, तो आर्गन डैमेज के चांसेस हमारे साथ नहीं होते, तो TEP क्या है, बेस्ट है। तो ये हमारे साथ जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थे उसके जो दो मेथड थे वो भी हो गए। अब हमारे साथ है ट्रीटमेंट ऑफ फिमोरल अर्निया की। सबसे पहले लो रिपेयर, हाई रिपेयर और लोथिसियन रिपेयर। यहाँ पे लो रिपेयर, हाई रिपेयर, लोथिसियन रिपेयर। अब ये क्या है, लो रिपेयर में हम क्या करते हैं फिमोरल अर्निया में कि हम यहाँ जो रेड लाइन से मैंने शो किया है ये है इलियोपेक्टिनियल लाइन। अब ये सारे इलियोपेक्टिनियल लाइन, इंग्वाइनल लिगामेंट, ये तो हम तीसरी वीडियो में पढ़ चुके हैं हर्निया सीरीज की, जो हर्निया की सर्जिकल एनाटॉमी की वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें हम सब कुछ ये पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या है, लो रिपेयर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लो का क्या मतलब है, लो का ये मतलब है कि हम लोअर साइड से अपवर्ड मूव करते हैं, पेशेंट के टेस्टिस रीजन से हम एब्डोमेन की तरफ जाते हैं, सूचर लगाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं लो रिपेयर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं। अब करते हैं इसमें क्या है, इसमें हम इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल लाइन क्या है, लाइन पोस्टीरियर टू कूपर लिगामेंट इज कॉल्ड इलियोपेक्टिनियल लाइन। कूपर लिगामेंट के पीछे जो लाइन है उसे कहते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन। अब इसमें हम क्या करते हैं लो रिपेयर में, इलियोपेक्टिनियल लाइन ये जो रेड है और ये जो ब्लू है ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, इन दो को हम सूचर करते हैं, ये जो ब्लैक से मैंने शो किया है रिंग से क्या है सूचर है। अब यहाँ हमने इलियोपेक्टिनियल लाइन और इंग्वाइनल लिगामेंट को क्या क्या है सूचर क्या है, ये है लो रिपेयर। तो लो रिपेयर में हम क्या करते हैं, इलियोपेक्टिनियल लाइन के साथ इंग्वाइनल लिगामेंट के क्या करते हैं सूचरिंग करते हैं, और इसमें हम टेस्टिस से एब्डोमेन की तरफ जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है लो। ठीक है, दूसरा हमारे साथ है हाई रिपेयर। हाई रिपेयर में हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉन्जॉइंट टेंडन को हम किसके साथ मिलाते हैं, सूचरिंग करते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन के साथ, रेड फिर यह शो करें इलियोपेक्टिनियल लाइन और ये जो ब्लू में शो करा है वो है कॉन्जॉइंट टेंडन। यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट था, यहाँ पे कॉन्जॉइंट टेंडन है, इलियोपेक्टिनियल लाइन के साथ कॉन्जॉइंट टेंडन की हम सूचरिंग करते हैं, और ये हाई रिपेयर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें जब हम सूचरिंग करते हैं हम एब्डोमेन से टेस्टिस की तरफ मूव करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हाई रिपेयर, हाई से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे साथ है लोथिसियन रिपेयर। लोथिसियन रिपेयर में क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे रेड लाइन सेम था, इलियोपेक्टिनियल लाइन था, लेकिन इसमें ये चेंज हो जाता है, रेड की जगह पे ब्लैक आ जाता है। ब्लैक ये क्या है, यहाँ पर कूपर लिगामेंट यानी इलियोपेक्टिनियल लाइन की जगह पर यहाँ पर कूपर लिगामेंट आ जाता है, और ब्लू जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो यहाँ हम लोथिसियन रिपेयर में हम कूपर लिगामेंट और इंग्वाइनल लिगामेंट की एक दूसरे के साथ क्या करते हैं सूचरिंग करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं लोथिसियन रिपेयर। तो इंग्वाइनल, तो फिमोरल अर्निया के जो ट्रीटमेंट में लो रिपेयर, हाई रिपेयर, लोथिसियन रिपेयर, ये भी हमारे साथ क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आज हमारे साथ अर्निया कंप्लीट हुआ जिसकी ट्रीटमेंट हमने डिटेल में पढ़ ली। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।